उम्र सारी। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, कहीं भी हो कैसे भी हो रिपोर्ट लेने पहुंच जाते हैं हम। कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे, मैं क्या रिपोर्ट बनाऊं, ऐसा लग रहा है साले जाके कलम घोलन रहा है। अरे हटना भाई, क्यों बीच बीच में आता है यार। अरे बेटा हेलमेट तो लेके जा जी। क्या पापा जी, देश आजाद हो गया और आप अभी भी गुलामी में जी रहे हैं। इतना खर्चा करता हूँ बाल के लिए, हेलमेट पहनने के लिए थोड़ी करता हूँ। चाचा यह देश आजाद हो गया है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच अभी भी गुलाम है। तो दोस्तों गौर से देखिए, सड़क दुर्घटना में हुई एक नौजवान की मौत। आज सुबह ही हेलमेट पहनने से कर रहा था मना, खैर ये तो निपट गया। आप लोग खा भुना हुआ चना? ये बेटा ये क्या हुआ बेटा? अरे चाचा मुझे तो लग रहा है ये हाफ मर्डर और हाफ सुसाइड है। कैसे बात कर रहे हो बेटा तुम? देखो सुसाइड तो ऐसे है कि इसने हेलमेट पहनने से मना कर दिया, और मर्डर के लिए हमको ने को जाना पड़ेगा फ्लैशबैक, तो उधर देखो। अरे चाचा यहाँ के ट्रैफिक नियम को तो आप जानते ही हो, सुबह जब मैं वहाँ रिपोर्ट कर रहा था वहीं से आपका बेटा गुजर रहा था, मैंने देखा वो एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और हेलमेट के बारे में पूछा, तो आपके बेटे ने अपने पॉकेट से 50 रुपए निकाले और उसे दे दिया। फिर थोड़ी देर बहस हुई, फिर पुलिस वाले ने 50 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया, और फिर क्या कुछ आगे जाते ही गाड़ी वाले ने आपके बेटे से फोन किया। समझ गया चाचा? हाँ बेटा समझ गया। ओके चाचा यू कंटिन्यू। तो दोस्तों आपने देखा कैसे छीन गई चाचा की स्माइल, तो आप ही बताइए जान बचाने के लिए क्या जरूरी है, हेलमेट या हेयर स्टाइल? अबे हाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। क्या हो गया भाई, तू भी हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लग गया? देख भाई पाकिस्तान गलत है तो है और मुसलमान गलत है तो है। अच्छा उनको जानते हो? कौन? वो तो सुभाष के पापा है ना। चलो उनको गाली दे के आते हैं। अबे क्यों पागल है? क्यों क्या हो गया? वो कितने अच्छे आदमी हो, हम लोगों को बेटा बेटा कहकर पुकारते हैं, और उसके बेटे को नहीं जानता क्या? सुभाष को कितना अच्छा है वो। अच्छा चलो उनको छोड़ो, उनके दूसरे बेटे दुर्भांश को नहीं जानता जो गंदा गंदा गाली देता है, लड़कियों को के ऊपर कमेंट करता है? मैं तो जा रहा हूँ उनके गाली देने। अबे पागल है क्या बैठ? अबे उसमें उनकी क्या गलती, उनके दूसरे बेटे सुभांश को तो देख, वो कितने अच्छा है, तो वो कैसे गलत हो सकते हैं? अच्छा तो पूरे मुसलमान कैसे गलत हो गए? मतलब कि वो इंसान अच्छा है, उसमें एक एक बेटा अच्छा है और एक बेटा खराब है, तो पाकिस्तान के कुछ मुसलमान के खराब होने से पूरे मुसलमान कैसे खराब हो गए? मतलब भाई तू कहना क्या चाहता है, मैं समझ नहीं रहा। मतलब ये कि एक मुसलमान के खराब होने से हिंदुस्तान पाकिस्तान को खराब समझने लगता है, और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को खराब समझने लग जाते हैं। मतलब यार तू कहना क्या चाहता है? भाई तू बजरंगी भाईजान देखा है? हाँ। उसमें शुरू में ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान तो एक ही है। वहीं अगर शाम को कोई बंदा तेरे को मैसेज करता है व्हाट्सएप पे कि बोलता है कि एक बच्चा पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया है, आप असली हिंदू हो तो जितना हो सके इसको शेयर करो, जितना हो सके फैला डालो, तब तू क्या करेगा? भाई हम यहाँ रिश्ते खुद खराब कर रहे हैं यार। भाई कौन रिश्ता खराब करता है? हम तुम, मेरे अपने हो या तुम्हारे, या कोई बड़ा नेता हो या कोई रईस, अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम करता है तो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है और कोई नहीं। अरे भाई ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कानून बनना चाहिए हमारे देश में। हाँ यार तू सही बोल रहा है, क्या यार मैं भी गलत गलत अफवाहों में आ गया था। तुम लोग यहाँ क्या गप सप मार रहे हो? यहाँ सभी लोग 15 अगस्त की देश की आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, तुम लोग यहाँ क्या गप सप मार रहे हो? आज़ादी? अच्छा हमारा भारत देश आज़ाद है। अच्छा हमारा भारत देश आज़ाद है जहाँ महिलाओं नहीं, जहाँ लड़कियों नहीं नहीं, नहीं। जहाँ बच्चियों तक का रेप कर दिया जाता है, ऐसा देश आजाद है? यहाँ बड़े बड़े लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या करते हैं, ऐसा भारत देश आजाद है? जहाँ सरेआम खून बलात्कारी चोरी डकैती, जहाँ किसी को भी लूट दिया जाता है, क्या ऐसा भारत देश आजाद है? कैसे? यहाँ लड़कियों के कपड़े घुटनों तक के आते हैं, सभी के कमेंट पास होने शुरू हो जाते हैं कि
ये लड़की बिगड़ गई है, इसमें संस्कार नहीं है, इसके माता पिता ने इसे संस्कार नहीं सिखाया। और ऐसा कमेंट पास करने वाले कौन लोग होते हैं? हाँ, ये वही लोग होते हैं जो खुद घर के बाहर चट्टी पहनकर घूमते हैं। अरे मैं मानता हूँ कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ तो लोगों की सोच ही गुलाम है। आज स्वतंत्रता दिवस है, अच्छी बात है, सभी जगह लोग तिरंगे लहराएंगे, पूरे देश में तिरंगा फहराया जाएगा, लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा में स्टोरी पोस्ट करेंगे, डीपी डालेंगे, स्टेटस लगाएंगे, बोलेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करके। लेकिन ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। देश आज़ाद हो गया लेकिन लोगों की सोच गुलाम है। सोच गुलाम है तो देश कहाँ से आज़ाद हो पाएगा? मतलब यही हुआ ना कि हमारा देश अब भी गुलाम है क्योंकि हमारी सोच गुलाम है।